क्या हाल है दोस्तों? इस्लामिक चैनल बनाया, व्यूज़ नहीं आए। रोस्टिंग चैनल बनाया, उस पर भी व्यूज़ नहीं आए और वो बैन हो गया। फिर गेमिंग चैनल बनाया, उस पर भी व्यूज़ नहीं आए। फिर दोबारा से रोस्टिंग चैनल बनाया, उस पर भी व्यूज़ नहीं आए। इंस्टाग्राम पर 3 साल से शायरी मार रहा हूँ, उस पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो सोचा व्लॉगिंग चैनल बना लूँ, हो सकता है इससे व्यूज़ आ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। तो यार सब्सक्राइब कर दो, अब हम हमेशा व्लॉग आएगा इस पर। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 25 रुपये में आप बुर्ज खलीफा की फीलिंग ले सकते हैं। बुर्ज खलीफा की नहीं, पता है वो तुम्हारी औकात के बाहर है। बुर्ज खलीफा के बाहर जो वाटर डांसिंग शो होता है उसकी फीलिंग आप सिर्फ 25 रुपये में ले सकते हैं। और इसके अलावा वो बहुत बड़ा गार्डन है, अगर अपने बच्चों को लेके जाओगे तो उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे बाप दादा जिन्हें पुराने ज़माने के लोग कहते थे, वो लोग तुम्हें वहाँ मिलेंगे। वो लोग नहीं मिलेंगे, उनकी मूर्तियाँ मिलेगी। इसके अलावा वो बहुत बड़ा गार्डन है। तो चलिए वहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो यार अब मैं कोई बम्बानी की औलाद तो हूँ नहीं जो रिक्शे से जाऊँगा, तो इसलिए हम जाएँगे बस से। तो चलिए बस स्टॉप पे चलते हैं। तो पूरे 1 घंटे से बस के लिए खड़ा हूँ और बस का कुछ आता पता ही नहीं है। देखो कितनी धूप हो रही है, दीवार लग गई है खड़े खड़े। सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ, कैंसिल कर दूँ। पूरा 2 घंटे के बाद अब बस आ रही है, वो भी अटक गई वहाँ पे। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम बस में बैठ चुके हैं और बस में बैठने के बाद हमें ब्रिज पर से ये खूबसूरत सा नज़ारा, जो हमारे इलाके का है, ब्रिज पर से बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। फिर दोस्तों हम अपने इलाके से पूनम नगर का टिकट निकाल लेते हैं, जिसका पैसा सिर्फ 10 रुपया था। और टिकट निकालने के बाद हम अपने मुंबई की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरते हैं। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें ये प्यारा सी बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था आई लव अंधेरी, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पूनम नगर, जहां मेरा दोस्त खड़ा था और वो खुद व्लॉगिंग कर रहा था। फिर गार्डन के गेट पर पहुंचने के बाद हम 2 टिकट निकालते हैं, एक टिकट का प्राइस 25 रुपया था। हम 2 टिकट निकालते हैं और चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम एंट्री गेट पर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ पर वॉचमैन खड़ा रहता है। हमने अभी जो 25 रुपये का टिकट निकाला वो टिकट यहाँ पर देना है, तो अमान भाई दे रहे टिकट। फिर हम थोड़ा अंदर चलते तो आजू बाजू एकदम मतलब पेड़ पौधे लगे हुए, एकदम जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा हमारा थोड़ा सी ख़राब है, मतलब उतना अच्छा कैमरा नहीं है तो उतना अच्छा आपको फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मैं पहले भी आ चुका हूँ इसलिए यहाँ की व्लॉगिंग का प्लान बनाया। तो देखिए आजू बाजू एकदम खूबसूरत सा नज़ारा है। फिर आप थोड़ी देर आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद 2 मिनट वॉक करने के बाद लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो यहाँ गार्डन है जो कि बहुत बड़ा है और बच्चों के लिए है। देखिए वहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे, बड़े बड़े मज़े से झूले झूल रहे हैं और बड़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के माँ बाप बैठे, और बच्चों के लिए तो बहुत बहुत ही मस्त जगह, और बड़ों के लिए भी कोई कम जगह नहीं है, बड़ों के लिए भी बहुत ही मस्त जगह है। देखिए बच्चे एकदम मज़े से खेल रहे हैं, और बड़ों के लिए भी झूला है जो शायद आगे है, तो आगे चल के देखते हैं। दोस्तों ये देखकर हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो देखिए यहाँ पे वॉचमैन भी मतलब खड़ा रहता है कि कोई बड़ा मतलब बैठे नहीं झूले वूले पे। देखिए बच्चे एकदम फुल मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चल के देखते हैं वो बड़े लोग का किधर है वो देखते हैं। वो गाइस बाहर निकलने के बाद देखो ये कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, सामने से सोचो कितना अच्छा दिख। और मेन चीज़ जो है ना वो ये है जो मैं बोल रहा था ना, पुराने ज़माने के लोग, यही है भिड़े के ज़माने के लोग सामने जो दिख रहे आपको, यही है वो लोग। और यहाँ पे ऐसे हज़ारों पुतले बने, और मैं आपको बताता हूँ पुराने ज़माने का कि देखो पुराने ज़माने में लकड़हारे ऊपर लिखा भी है लोहार, पुराने ज़माने में इतनी मेहनत की जाती थी। इधर सामने ओम करके भी लिखा हुआ है, ओम ही यही। फिर ये शायद कुछ रस्सी वगैरह बना रहे क्या, कुछ काटम काटी चालू है पुराने ज़माने का। और ये आप नज़दीक से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहली बार में आपको यकीन नहीं होगा ये पुतला, आपको लगेगा सही में कोई बैठा हुआ है। फिर देखो ये वॉचमैन मतलब यहाँ खड़ा हुआ है, ये कोई मतलब छुए ना उसको। फिर आगे ये मैं नहीं पता, मुझे पता नहीं क्या पुराने ज़माने का, ये बीन बजा रहा है, सुनार लिखा है। पुराने ज़माने में ऐसे सुनार हुआ करते थे क्या, आपको पता है तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊँगा, अगर आप यहाँ पर आए ना तो अपने बाप दादा मतलब कोई पुराने ज़माने के आदमी को लेके आए जो मतलब आपको समझा सके कि ये क्या चीज़ है। हम देखे अच्छा तो लगा लेकिन हम बहुत सी चीज़ें जो समझ नहीं सके। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद यहाँ बैठने के लायक भी बहुत जगह यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी
पूरा भूल भुलैया टाइप है। देखो पुराने ज़माने में इतना मेहनत की जाती थी, हमारे घर में तो ऐसे ही पानी आ जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में वो हांडी लेके एकदम बर्तन लेके लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये बकरी है, ये भी पत्थर की बनी हुई है, और यहाँ ये लोग पानी वानी भर रहे हैं। ऐसी कुछ हमें दिखाया जा रहा है, ऐसी कुछ दिखाना चाहते हैं ये लोग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने तजुर्बे वाले आदमी को लाएंगे ना तो वो आपको समझा देगा कि क्या है। तो चलिए अब आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। तो वहाँ शायद योगा हो रहा है, वो पुराने ज़माने की लड़कियाँ योगा कर रही है या डांस कर रही है, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे है क्या वो। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए, मतलब ऐसा ज़मीन पे ना फेंके, इसलिए डस्टबिन भी रखा हुआ है। ये देखिए वही वही है। फिर इतने पुतले, ये पूरा रास्ता मतलब भूल भुलैया, आप आगे जाएंगे आगे से हर रास्ता मिलता है और आपको लगेगा आप वहीं पे आ गए, और आप मतलब बहुत ही मज़ेदार है। देखो ये डांस योगा जो हो रहा है, एकदम सामने से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे लोग देखो फ़ोटो खींच रहे, लोग घूम रहे, मज़े कर रहे। तो ये बड़ों के लिए और ख़ास चीज़ है, मेरा दोस्त है इसको भी मज़ा आया। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद यहाँ पर भी कुछ है, वो पॉटर कुभार लिखा है। क्योंकि ये कुभार क्या होता है मुझे पता नहीं, कमेंट में बताना। आगे बहुत सारे मटके रखे हुए हैं और ये आंटी शायद मटका बना रहे हैं। कोई तजुर्बे वाला आदमी होता तो शायद हमें समझा देता है या इनको एक रखना चाहिए, इन 25 रुपए में क्या क्या करेंगे बेचारे। तो गाइस इधर अभी हमने फ़ोटो खींचे, एकदम मस्त फ़ोटो आई थी, अमान भाई फ़ोटो खींचे थे। और यहाँ घूमते घूमते काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा एक नज़र आ रहा है। ये दोस्तों देखो यहाँ पे पुराने ज़माने में कुछ इस तरीके से रस्सियाँ बनाई जाती थी। अब ये कैसे कर रहे, क्या इनकी माँ बैठी है। पुराने ज़माने का घर दोस्तों, जो असली सुकून है ना उसी ज़माने में हुआ करता था। आज के वक्त सुकून ख़त्म हो गया है, हर किसी को एक अलग ही टेंशन है। यहाँ तक कि अंबानी भी सुकून से नहीं है, उसकी भी ज़िंदगी में अलग ही टेंशन होगा। लेकिन जो असली सुकून है ना, ये झोपड़ी से, ये मिट्टी के घर से ही होता था। तो कोई रस्सी बना रहे, खुशगवार फैमिली। और देखो बैठने के लिए कितनी मस्त जगह है, वहाँ सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और वो आगे जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहीं पे वो वाटर फाउंटेन शो होता है। तो ये हरा भरा है, एकदम अलग ही सुकून है यहाँ पर। तो गाइस ये इधर वॉचमैन खड़ा हुआ है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी कुछ तोड़म ताड़ी चालू है। ये धोती पहन के पीछे से बाबू राव दिख रहा है, और ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। फिर हमें पहले सुनार दिखा, फिर कुभार दिखा, अब ये क्या चौभार कोबर ऐसे क्या होता है। अपने दादा वादा को वीडियो दिखा के पूछो क्या है, मेरे तो दादा है ही नहीं, तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं पुराने ज़माने का। जो है अब अपने पास गूगल बाबा ही है, गूगल बाबा से क्या पूछे। फिर ये लकड़ी काट रहे, पुराने ज़माने में कुछ ऐसी लकड़ी काटी जाती थी, आज के टाइम देखो मशीन वशीन आ गई है। पुराने ज़माने के लोग कितनी मेहनत करते थे। और ये क्या है, आई थिंक मुझे उतना कुछ तजुर्बा नहीं है, ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर क्या होगा। फिर दोस्तों ये लकड़ियाँ काटी जा रही है, एक चीज़ की गलती कर दी है, आदमी खड़े मिट्टी के, लेकिन ये बाँस तो आज के ज़माने का है, फिर भी पुराने ज़माने वाली लकड़ियाँ नहीं मिली होगी, तो आज के टाइम की लकड़ियाँ ले ली होंगी बाँस। ये बस हमें कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश। हाँ ये पुरानी लकड़ियाँ, पुराने ज़माने के लोग देखो कितनी मेहनत करते होते, और हम आज एसी में पंखे के नीचे एकदम सुकून से थोड़ा 2-3 घंटा, ये 10-15 घंटा जॉब कर लिए, सोचते हम बहुत मेहनत करते, असली मेहनत तो ये होती थी। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, तो आगे ये है यहाँ दोस्तों, ये आई थिंक ये लकड़ियाँ बन रही है या कुआँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे आगे इनका बाप लकड़ियाँ। तो दोस्तों ये लकड़ी का, लकड़ी काट के जो बनाते ना, तो क्या बोलते हैं इसमें, अक्सर आज भी लोग फ्रूट व्रूट वगैरह बेचते, क्या बोलते उतना मुझे अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। यहाँ ये ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये बच्चे लोग यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे, आज के टाइम तो सब मोबाइल में पबजी खेलते रहते। देखो इधर फ़ोटो खींच रहे भाई, और ऊपर से नज़ारा देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वो वाली शायरी याद आ गई मुझे कि जो नज़ारा देखने लोग मीलों दूर आते हैं, हम उसी नज़ारों के शहर में रहते हैं। दोस्तों मुंबई वाकई एक बहुत खूबसूरत सा शहर है। और दोस्तों यहाँ देखो ये पत्थर के, मतलब हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी जो जगह है ना, जो फेमस चीज़ें हैं, उन सब का मतलब पत्थर बना हुआ है। तो ये आई थिंक हॉस्पिटल लिखा है, हॉस्पिटल है, लेकिन इसे देखने में तो लग नहीं रहा है। फिर ये मुझे मालूम नहीं क्या है, ये शायद वो गेट ऑफ इंडिया के अंदर पानी के बीच में वो
दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है आपको पता है तो कमेंट में बताओ मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टाइमिंग का डाल के मुझे कमेंट करो ये क्या है, अंदर तो भूसा भरा हुआ है। फिर नहीं मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं है क्या है दोस्तों आगे, मतलब है मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये थोड़ा सी मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। तो ये अमान को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त को, वो भी व्लॉगिंग कर रहा है, उसके चैनल पे भी आप जाके देख लेना। फिर MCGM इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? भाई छोड़ो, हमें ये भी नहीं समझ आ रही क्या है। फिर ये आई थिंक लाल किला है क्या? नहीं सॉरी, इंडिया गेट है। ये भी मुझे पता नहीं क्या है। फिर आगे इधर क्या लिखा है, बहुत बड़ा कुछ लिखा है, कौन पढ़ते बैठे हैं, मुझे पढ़ने तो नहीं आ रहे है। श्वेता कॉन्ट्रो पता नहीं क्या लिखा है, रहने दो। फिर ये ताजमहल है, ये तो जानते हैं। ये कुतुब मीनार, नहीं कुतुब मीनार तो ये, तो फिर ये क्या है, ये तीन मीनार वाला क्या है, ये मुझे नहीं पता। फिर आगे जाएंगे ये अपना, ये क्या बोलते हैं यार, मैं नाम बोल, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाजू में ताज होटल, मैं गेटवे नहीं बोल पा रहा हूँ। और ये सीढ़ियाँ तो एकदम वीडियो में तो एकदम असली लग रही है गाइस, ऐसी है नहीं जितनी बड़ी दिख रही, उतनी बड़ी वाकई में है नहीं है। बाकी आगे ये क्या है मुझे ये भी नहीं पता क्या है ये, और ये भी पता नहीं क्या है। आई थिंक ये तो मंदिर है लास्ट में, ये भी पता नहीं क्या है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है हमें। गाइस अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे तो मूर्तियां ही मूर्तियां दिख रही है। यहाँ पुराने ज़माने की शायद भाईचारे दोस्ती यारी हो रही है, गुफ्तगु हो रही है दोस्तों में। पीछे से बच्चा देख रहा है, देखो ये यहाँ पे बैठने गए, हम सोचे थे रील्स बनाए लेकिन इतना अच्छा कुछ मज़ा नहीं आया रील्स बनाने में। तो दोस्तों जो वो वाटर फाउंटेन शो होता है वो 7 बजे शुरू होता है, तो गाइस अभी हम वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वहाँ जाके मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी 7 बजने में काफ़ी वक्त बाकी है। देखो ये दिख रहा है, ये लकड़ी है, लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है बड़ी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वाटर फाउंटेन शो, थोड़ी रात हो गई है, कैमरा भी थोड़ा फट रहा होगा क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा DSLR या GoPro नहीं है। आगे देखो लाइट जल रही है, मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उतना खास वीडियो नहीं बन रहा होगा, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना दोस्तों वहाँ लाइट जल रही है, वहीं से आपको बुर्ज खलीफा के बाहर जो होता है वाटर फाउंटेन शो यहीं पे मतलब दिखेगा आपको। तो लाइट जल रही है, चलिए अभी उसका सब्र करते हैं वो कब आएगा। तो हमारी तरह काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं और काफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपना अमान भाई की भी व्लॉगिंग चालू है, तो गाइस देख लेना उसके चैनल पे, उसकी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वो पता नहीं मुझे कब डालता है व्लॉग, शायद वो पहले ही डाल दे या मेरे बाद डाले, तो उसकी एडिटिंग करना हो। तो दोस्तों देखो शुरू हो चुका है हमारा वाटर फाउंटेन शो जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों अभी मैंने इसकी आवाज़ को म्यूट किया हूँ जो गाना बज रहा है। गाइस मैं सोच रहा हूँ गाना लगाऊं या नहीं लगाऊं, मतलब प्ले करूं या अपने चैनल पे नहीं करूं, क्योंकि हो सकता है ये सब सॉन्ग्स है जो इससे लगाने से हमारे चैनल पे कॉपीराइट ना आ जाए, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो दोस्तों फिर भी मैं लगाता हूं। दोस्तों अभी ये नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको गाने के साथ मैं बजाऊंगा, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा लगेगा। ये 7 बजे आता है, अगर आप मुंबई में रहते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आओ। और ये बुर्ज खलीफा जैसा तो नहीं है लेकिन 25 रुपये में क्या ही, 25 रुपये में बहुत सही चीज़ है गाइस ये। तो दोस्तों देखो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है और ये बादल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब इसको विद म्यूज़िक प्ले करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं दिखाना था ये गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, अगर अच्छे से दिखाना चाहे ना तो दिखाए, लेकिन अच्छे से सही से अपने को ब्लॉगिंग करने आती नहीं, नया नया ब्लॉगर पहला ब्लॉग ही बना रहा हूँ,
पहले बनाते तो वो सड़ेला, लेकिन अपने हिसाब से अच्छा जो है वो पहला व्लॉग ही है ये। और ये न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा फ़ायदा कराओ यार, इतना आपके लिए आया हूँ वीडियो बनाने, काम धंधा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के। तो गाइस चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो में, तब तक के ख्याल रखो अपना और बताओ कमेंट में कैसा लगा ये व्लॉग, और अगले हफ्ते कहाँ का व्लॉग डालने का बताओ। चलिए चलते हैं।